वेलकम गाइस, तो आज की मूवी का नाम है गोडजिला एंड कॉन्ग 2024 द न्यू एम्पायर। इसकी शुरुआत में हमें अर्थ की कोर दिखाई जाती है जिसका नाम की होलो अर्थ है। यहाँ कॉन्ग के पीछे बहुत सारे टाइटन पड़े हुए थे। कॉन्ग भागकर एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है और इसके बाद एक बड़े से पत्थर को उठाकर वहाँ पर उस खाई को तोड़ देता है और बहुत से टाइटन उसके अंदर गिर जाते हैं और एक टाइटन को उठाकर बीच से फाड़ देता है और ये देखकर बाकी के टाइटन डरकर भाग जाते हैं। फिर होलो अर्थ में कॉन्ग अकेला ही रह गया। इसके बाद हमें अर्थ की सरफेस पर दिखाया जाता है जहाँ हम एक लेडी को देखते हैं का नाम होता है डॉक्टर इलिन, जो कि दुनिया में टाइटन की वजह से आने वाले खतरों की जांच कर रही थी। अपने भेजे हुए सिग्नल से वो पता लगाती है गोडजिला, जो कि टाइटन से इस दुनिया की हिफाजत करता था, आजकल वो समुद्र की गहराइयों में रहता है। एक दिन एक खतरनाक टाइटन रोम पर हमला करता है तो रोम को बचाने के लिए गोडजिला पानी से बाहर निकल कर आता है। गोडजिला ने इस टाइटन का सामना किया और एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर में इसे मार डाला, खुद दोबारा पानी में चला गया। इसके बाद हमें डॉक्टर इलिन का ऑफिस दिखाया जाता है। हमें पता लगता है कि इन लोगों को होलो अर्थ से कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स मिल रहे हैं जिन्हें देखकर ये घबराए हुए हैं। इसके बाद हम डॉक्टर इलिन की बेटी को देखते हैं जिसका नाम जिया था। जिया जब स्कूल में होती है तो उसे अजीब सी हेलुसिनेशन होती है जिसके चलते वो बेंच पर अजीब सी ड्राइंग्स बनाने लगती है। क्लास के सारे बच्चे उन ड्राइंग्स को देखकर डर गए थे, वो टीचर को बताते हैं जिसके बाद डॉक्टर इलिन को प्रिंसिपल बुलाती है और जिया की हरकतों के बारे में बताती है। जिया डॉक्टर इलिन को बताती है कि पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी हेलोसिनेशन हो रही है, आंखें बंद करते ही मुझे वो सब दिखाई देने लगता है जिससे मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है जिया ईवी ट्राइब की लास्ट मेंबर थी जो लोग कॉन्ग से बातें कर सकते थे। रात को जिया को फिर से हेलुसिनेशन होती है और वो उठ जाती है, अपनी मॉम को बताती है कि होलो अर्थ में कॉन्ग मुसीबत में है, हमें जल्दी से वहाँ जाकर उसे बचाना चाहिए। डॉक्टर इलिन कहती है ठीक है, हम सुबह कुछ करते हैं, फिलहाल तुम सो जाओ। इसके बाद डॉक्टर इलिन जिया की बनाई हुई ड्राइंग्स को गौर से देखती है और उसे याद आता है कि दोपहर को उसे भी होलो अर्थ से कुछ ऐसे ही सिग्नल मिले थे जैसा कि उस ड्राइंग में जिया ने बनाया था। इसके बाद वो उस ड्राइंग को लेकर एक एक्सपर्ट के पास जाती है, ये देखकर बता सकता था कि ये सिग्नल टाइटन ने भेजे हैं या फिर गोडजिला ने। वो उन सिग्नल्स को गौर से देखता है और फिर एक चौंकाने वाली बात वो डॉक्टर इलिन से कहता है कि इस बार ये सिग्नल ना तो टाइटन ने भेजे हैं और ना गोडजिला ने, दरअसल इन सिग्नल्स को इस बार इंसानों ने भेजा है। अर्थ की कोर में इंसानों का होना थोड़ी अजीब बात थी। डॉक्टर इलिन के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि पानी के अंदर गोडजिला जाग गया है और डॉक्टर इलिन समझ जाती है कि जरूर दुनिया के अंदर कोई खतरा आने वाला है और इस बात का गोडजिला को पहले ही पता लग गया था। पानी से निकलकर गोडजिला ने योरसिलम को अपना ठिकाना बना लिया था और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग भी पानी से बाहर आता है। तो सबसे पहले डॉक्टर इलिन और जिया देखती है कॉन्ग बाहर निकलकर उनसे बताता है कि मेरे दांत में दर्द है, मैं इसलिए बाहर आया हूँ। डॉक्टर इलिन अपने टीम मेंबर को बोलकर उसका दांत ठीक करवाती है, वो टीम मेंबर एक रस्सी बांधकर उसके दांत को निकाल देता है और जल्दी ही उसने वहाँ पर नकली दांत को भी फिक्स कर दिया था, जिसके बाद कॉन्ग ठीक हो जाता है। और अब सिग्नल एक्सपर्ट डॉक्टर इलिन को बताता है कि ये सारे सिग्नल को मैंने अच्छे से चेक किया है, ये सच में इंसानों द्वारा भेजे गए सिग्नल हैं और ये किसी बड़े खतरे का साइन है। अब उस खतरे से निपटने के लिए डॉक्टर इलिन अर्थ के कोर में जाने का डिसाइड करती है और इसके लिए वो अपनी एक टीम बनाती है। इस टीम में वो शामिल करती है वो उनकी बेटी, वो सिग्नल पढ़ने वाला आदमी और दो और लोग थे। और इसके बाद वो कॉन्ग के साथ बैठकर होलो अर्थ के लिए निकल जाते हैं। ये सफर बहुत मुश्किल था, रास्ते में उनकी हालत ही खराब हो गई थी। फाइनली ये लोग होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं जो बेहद खूबसूरत जगह थी। वहाँ जाने के बाद कॉन्ग तो अपनी केव में चला गया था और वो लोग अपने बनाए हुए बेस में चले जाते हैं। अर्थ पर जो डॉक्टर इलिन की बेस थी उसके अंदर उसकी टीम गोडजिला की लोकेशन को ट्रेस कर रही थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि आने वाला खतरा कहां पर है। यहां हमें पता चलता है कि गोडजिला तो आने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है, वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था जिससे कि वो दुश्मन को कुछ ही पलों में ढेर कर सकता है। और फिर मोनार्क की टीम के लोग और डॉक्टर इलिन की टीम के लोग गोडजिला के ऊपर बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब्स डालते हैं जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये शिफ्ट होता है होलो अर्थ में जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर इलिन देखती है कि उसने जो अपनी मोनार्क बेस होलो अर्थ में बनाई थी उसे टाइटन्स ने तबाह कर दिया है।
दूसरी तरफ कोंग को भी किसी एनर्जी का एहसास होता है जिससे लड़ने के लिए वो अपनी एक्स उठाकर तैयार हो जाता है। उस एनर्जी का पीछा करना शुरू करता है और उसके पीछे जाते हुए वो एक नई जगह को एक्सप्लोर करता है जो कि होलो अर्थ में उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे वहाँ एक बड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखता है जो पास जाने पर बड़ा होता जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुँचता है तो देखता है वहाँ तो एक छोटा सा गोरिल्ला था। कोंग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ पर काट कर भाग जाता है। कोंग उसके पीछे भागता है तो वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े गोरिल्ला आ गए थे। पहली बार अपने जैसे इतने बड़े बड़े गोरिल्ला को देख रहा था जो कि कोंग को पकड़ने लगते हैं, लेकिन कोंग इनका सामना करता है और एक झटके में सबको हरा देता है। इसके बाद वो छोटा सा गोरिल्ला जिसका नाम की सुप था वो दोबारा से कोंग पर हमला करता है कि बार कोंग इसे पहली बार में ही पकड़ लेता है और अपने कबीले में ले जाने के लिए राजी कर लेता है। और कोंग दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर इलिन को देखते हैं जो कि होलो अर्थ में सिग्नल्स का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वो लोग ये सब चेकआउट कर रहे थे कि ये सिग्नल आखिरकार आ कहां से रहे हैं। उधर डॉक्टर इलिन का एक टीम मेंबर बोलता है कि यहां पर बहुत सारे टाइटंस छुपे हुए हैं और मुझे पता है कि आगे का रास्ता कहां से होकर जाता है, तो अगर तुम्हें सेफ रहना है तो मेरे पीछे पीछे आना होगा। लेकिन इतना कहते ही एक पीछे से पेड़ जैसा दिखने वाला टाइटन उन पर हमला करके उस आदमी को एक बार में खा जाता है। फिर ये सब थोड़ा आगे जाते हैं तो जिया को एक होली साइन नजर आता है। साइन पर एक बटरफ्लाई आकर बैठ गई थी। जिया जैसे ही उस बटरफ्लाई को टच करती है तो एक पत्थर अंदर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर पानी भरने लगा था। जैसे ही वो उस पानी का पीछा करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव जगह पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही डॉक्टर इलिन उस प्रोटेक्टिव शील्ड को हाथ लगाती है तो एक नई दुनिया वहाँ पर उन्हें दिखने लगी थी। दूसरी तरफ सुक कोंग से पीछा छुड़वाना चाहता था, इसलिए वो उसे एक नदी के किनारे ले जाता है। उसे पता था कि इस नदी के अंदर एक बहुत बड़ा टाइटन रहता है जो कि कोंग पर हमला कर देता है। कोंग अपनी एक्स निकालता है और उस टाइटन के मुंह में रख देता है, लेकिन वो टाइटन कोंग को लेकर पानी में चला गया था और इस मौके का फायदा उठाकर सुक वहां से भाग जाता है। सुक जब भाग रहा था तो उसके सामने कोई चीज आकर गिरती है। जब उसे वो ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है कि ये तो उसी टाइटन का सर है जिसे कि कोंग ने मार दिया था। देखकर सुक को यकीन हो गया था कि कोंग कोई मामूली सा गोरिल्ला नहीं है और इसके बाद ये कबीले की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। शिफ्ट होता है अब अर्थ के सरफेस पे, जहाँ हम देखते हैं कि गोरिल्ला पानी के अंदर है जो कि पानी के अंदर ही रहता था। गोरिल्ला को महसूस हुआ था कि जरूर पानी के अंदर कोई खतरनाक टाइटन है जिसका पीछा करते करते वो एक जगह पर पहुंच गया था और वहाँ फिर उस टाइटन में और गोरिल्ला में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ गोरिल्ला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करते हुए उस टाइटन को मार डालता है। होलो अर्थ में जब डॉक्टर इलिन की टीम उस एरिया को एक्सप्लोर कर रही थी तो बहुत सारे इंसान उन पर हमला कर देते हैं। उसी कबीले के लोग थे जो कि कोंग से बातें कर सकते थे और इन्होंने ही वो सिग्नल डॉक्टर इलिन तक पहुंचाए थे। पहले के कबीले वाले इन लोगों को मार डालते, कबीले वालों में से ही एक लड़की ने जिया को पहचान लिया कि ये उन्हीं में से एक है और इसकी कंफर्मेशन करने के लिए वो उन्हें अपने हेड के पास ले जाती है। वो जिया का हाथ पकड़ के उसका माइंड रीड करती है और जान जाती है कि ये उन्हीं के कबीले की है। यहाँ डॉक्टर इलिन के बाकी टीम मेंबर्स को भी एंट्री मिल चुकी थी। डॉक्टर इलिन उनसे पूछती है कि कौन से खतरे के लिए तुम अर्थ पर सिग्नल भेजा करते थे, तो वो लोग बताते हैं कि होलो अर्थ में कोंग के अलावा बहुत सारे गोरिल्लाज हैं और इन गोरिल्लाज का एक हेड है जो कि एक अजीब सा बंदर है और वो होलो अर्थ के साथ साथ अर्थ पर भी हुकूमत करना चाहता है। अर्थ को हासिल करने के लिए जब वो अर्थ पे गया तो गोरिल्ला ने उसे हराकर दोबारा से होलो अर्थ में फेंक दिया। होते हैं कोंग पर जो कि सुके कबीले में पहुंच चुका था। वो वहां जाकर देखता है कि यहां तो बहुत सारे गोरिल्लाज काम कर रहे हैं और वो देखता है जब एक बूढ़ा गोरिल्ला काम नहीं करता तो उसे पीटा जाता है और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ गया था। फिर कोंग उस बूढ़े गोरिल्ला को मारने वाले बंदर पर हमला कर देता है और उसे हराकर सबको ये शो कर देता है कि वो सच में बहुत ताकतवर है बाकी सबसे। के बाद कोंग के सामने आता है गोरिल्लाज का हेड जो कि अब कोंग के साथ लड़ना चाहता था। ये वही गोरिल्ला है जिसके बारे में आईवी ट्राइब के लोग हमें बता रहे थे जो कि होलो अर्थ से अर्थ पर गया था राज करने के लिए और जिसे गोरिल्ला ने हराकर वापस भेज दिया था। अब वो कोंग को देखकर हंसना शुरू कर देता है और जब वो हंसता है तो उसके मुंह में एक नकली दांत था जिसे देखकर सुक को भी हंसी आ जाती है। इससे गुस्सा होकर वो सुक के डैड को आग में फेंक देता है।
इसे देखकर सुक काफी नाराज हो जाता है और एक गोरिल्ला की बिना वजह जान लेने के लिए कोंग को किंग पर गुस्सा आता है, जिससे वो उसे गुस्से में कुछ बोलता है और इसके बाद किंग को भी गुस्सा आ गया था। और इसके बाद वो अपनी एक अजीब सी हड्डियों वाली बेल्ट से, जिसके आगे की एक क्रिस्टल लगा हुआ था, कोंग पर हमला करता है। कोंग इस पूरे हमले से तो बच जाता है, लेकिन बेल्ट के लास्ट में जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो कोंग के हाथ में लग जाता है और उसके हाथ से खून निकल रहा था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस लड़ाई में कोंग उस पर भारी पड़ रहा था, जिसे देखते हुए वो अपने लोगों को कहता है कि लावा को बंद करो। और इसके बाद वहां पर एक आइस टाइटन को बुलाया जाता है। ये जो बेल्ट के सामने क्रिस्टल लगा हुआ था, ये भी उस आइस टाइटन का ही था। क्रिस्टल के जरिए ही किंग उस आइस टाइटन को कंट्रोल कर सकता है। और अब किंग उस आइस टाइटन को कमांड देता है कि कोंग पर हमला करो। टाइटन अपनी एटॉमिक ब्रेथ के जरिए कोंग पर हमला करता है, जिसे लड़ने के लिए कोंग भी अपनी एक्स निकाल लेता है। यहाँ तो कोंग की एक्स के साथ साथ उसका पूरा हाथ ही बर्फ में जम चुका था। अब यहाँ से निकलने के लिए सुक कोंग की हेल्प करता है और उसे यहाँ से भागने का रास्ता दिखाता है। रास्ते को देखकर कोंग वहाँ से टाइम से निकल लेता है, लेकिन उसे भागता हुआ देखकर बहुत सारे गोरिल्लास कोंग के पीछे आते हैं। लेकिन जैसा कि कोंग ने रास्ते में जाल बिछाया हुआ था, बहुत सारे गोरिल्लास उसके अंदर गिर चुके थे, लेकिन बहुत सारे उसके चाल को समझ चुके थे, जो अभी भी कोंग के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर जब एक केव में घुसते हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे पत्थर आकर गिरते हैं, जिसके अंदर के सारे गोरिल्लास दब के मर चुके थे। और इन पत्थरों को गिराने वाला और कोई नहीं बल्कि सुक था, जो कि अब कोंग का दोस्त बन चुका था। के बाद हमें गोरजिला को दिखाया जाता है, जो कि उस टाइटन को मारने के बाद उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका था। तो इलेन अपनी बेटी को देखती है, जो कि अपने कबीले वालों के साथ काफी खुश थी, और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को यहीं छोड़ के जाएगी और खुद अर्थ पर अकेले जाएगी। वो कबीले वाले लोग एक मशीन को ऑन करते हैं, जिसके बाद वहाँ जो प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई थी वो खुल जाती थी एक दरवाजे की तरह, और फिर उसके अंदर से बाहर आते थे कोंग और सुक। देख पाते हैं कि पीछे एक और गोरिल्ला इनके उस सीक्रेट दरवाजे को देख चुका था। इसके बाद कोंग वहां आकर अपने साथ हुआ सब कुछ बताता है और किंग से हुई लड़ाई के बारे में भी बताता है और अपने जख्मों को दिखाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वो गोरिल्ला किंग को आकर उस दरवाजे के बारे में बता देता है और ये भी बता देता है कि वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और शायद वो सब हमारी अर्थ को जीतने में मदद कर सके। किंग ये जानकर बहुत खुश होता है और फिर अपने आइस टाइटन पे बैठकर वो उस दरवाजे की तरफ निकल जाता है। के बारे में गोरजिला को भी पता लग जाता है, क्योंकि उसी ने हराकर इस आइस टाइटन को और किंग को होल अर्थ में भेजा था, और अब उनके वहाँ से निकलने के बारे में गोरजिला को सबसे पहले महसूस हुआ था। उनसे जंग करने के लिए अपने आप को तैयार करने में लग जाता है। उधर डॉक्टर इलेन चेक करती है कि कोंग को आखिर हुआ क्या है, वो उसके घावों को चेक करती है। तो इलेन देखती है कि कोंग का तो एक हाथ पूरा जल चुका है। अब उसे ठीक करने के लिए वो अर्थ की सरफेस से एक मेटल का हाथ मंगवाती है और वो उस मेटल के हाथ को कोंग के बॉडी में इंप्लीमेंट करती है और इसके बाद उसे कुछ एनर्जी बूस्टर्स भी लगाती है। दूसरी तरफ सुक देखता है कि वो किंग आइस टाइटन के साथ उनके कबीले की तरफ बढ़ रहा था और ये बात जाकर वो कोंग को बताता है। कोंग, जो कि पहले ही उस आइस टाइटन से डर के भाग चुका था, वो ये जानता था कि वो इससे अकेले सामना नहीं कर सकता। डॉक्टर इलेन की टीम को यहाँ से गायब होने के लिए बोलता है और खुद अर्थ की सरफेस पे गोरजिला की हेल्प लेने के लिए निकल जाता है। गोरजिला कोंग की मौजूदगी को महसूस कर चुका था और वो उसे भी एक दुश्मन समझ रहा था, जिसके बाद उस पर हमला कर देता है। जवाब में कोंग उस पर कोई वार नहीं करता और वो तो उसे आने वाले खतरे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन गोरजिला उसकी एक नहीं सुनता, लगातार अपनी पावर से उस पर अटैक करता जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उसे भी अब गोरजिला से लड़ना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं जिया यहाँ के गोड मोथरा के साथ अपने सोल कनेक्शन बना लेती है। इसके बाद ये लोग उड़ते हुए गोरजिला और कोंग की हेल्प करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं और कबीले की चीफ जो होती है वो कबीले के ऊपर फिर से प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। या जो कि कोंग और गोरजिला की हेल्प करने के लिए आई थी, देखती है कि ये दोनों तो आपस में ही लड़ रहे हैं और इसके बाद इन दोनों को आने वाले खतरे के बारे में आगाह करती है। देवी ट्राइब के लोग वहाँ उस प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ साथ पिरामिड्स को भी जोड़ने के लिए एक जादू करते हैं। वो पानी में एक लिक्विड डालते हैं, जिससे कि पिरामिड्स आपस में अटैच होने लगते हैं और वो प्रोटेक्टिव शील्ड भी और ज्यादा ताकतवर होने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने जादू को पूरा करते, वहाँ पर गोरिल्लास आने लगते हैं और वो किंग अपने आइस टाइटन के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था।
से पहले कि गोरिल्ला का किंग अर्थ पर पहुंचता, वहां पर जिया और मोथरा आ जाते हैं जो कि छोटे छोटे परिंदों के रूप में बदलकर उनका सामना करने लगते हैं। ऐसा करके वो किंग का ध्यान भटकाते हैं और इसके बाद यहां पर भागते हुए कोंग और गोरिल्ला भी पहुंच चुके थे। यहां किंग से लड़ता है और गोरिल्ला आइस टाइटन का सामना कर रहा था। कोंग अब अपने मेटल हाथ के साथ और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और किंग को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन गोरिल्ला के लिए आइस टाइटन को हराना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। की लड़ाई के बीच अचानक वहां पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिसके बाद ये सीधा अर्थ के कोर में जाकर गिरते हैं और एक पोर्टल से होते हुए अब ये लोग अर्थ की सरफेस पर आ चुके थे। जो कि अर्थ पर कब्जा करना चाहता था, वो अपने आइस टाइटन की मदद से सबसे पहले सन को फ्रीज करवाता है, इसके बाद समुन्दर को और इसके बाद पूरी दुनिया को फ्रीज करने के लिए बोलता है। इससे पहले कि पूरी दुनिया फ्रीज हो जाती, गोरिल्ला और कोंग वहां आकर उनसे लड़ने लगते हैं। गोरिल्ला की तरफ एक बिल्डिंग फेंकता है जिसे कि वो अपने मेटल हैंड से आराम से तोड़ देता है। फिर कोंग उसे एक पंच मारता है जिससे उसके सारे दांत टूट चुके थे और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गोरिल्ला उसके बेल्ट से उस क्रिस्टल को अलग कर देता है जिससे कि वो उस आइस टाइटन को कंट्रोल करता था। उस क्रिस्टल को तोड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे तोड़ता, किंग आकर उस पर दोबारा से हमला करता है। लेकिन इस बार यहाँ एंट्री होती है सुक्की, जो कि वहाँ पर कोंग की एक्स के साथ आया था और वो उसकी हेल्प से उस क्रिस्टल पर हमला करके उसे एक ही बार में चकनाचूर कर देता है। इसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें पता लगता है कि वो आइस टाइटन अब किंग के गुलामी से आजाद हो चुका है। हम देख पाते हैं कि कोंग और गोरिल्ला किंग को आपस में एक बॉल की तरह फेंक फेंक कर खेल रहे थे और वो आइस टाइटन भी अपनी गुलामी का बदला इस किंग से लेना चाहता था। वो आइस टाइटन उसे बर्फ में जमा देता है। कोंग नोटिस करता है कि किंग की एक आंख अभी भी नहीं जमी थी, जिसके बाद वो उसे उठा उठा कर जमीन पर पटकता है और फाइनली किंग मर जाता है। गोरिल्ला अपनी एटॉमिक पावर्स का यूज करते हुए बादलों पे से और सन पे से सारी बर्फ को हटा चुका था और इसके बाद पूरी दुनिया पर जमी हुई बर्फ भी पिघल जाती है। अब सीन यही कट होता है और हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उन कबीले वालों के साथ हम डॉक्टर इलीन और उसकी टीम को भी देखते हैं। टाइम था उनका अर्थ पर वापस लौटने का, लेकिन डॉक्टर इलीन तो जिया को अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि जिया उसके कबीले वालों के साथ ज्यादा खुश रहेगी। के जवाब में जिया कहती है, नहीं, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और जहाँ आप रहेंगी मैं वहीं खुश रहूंगी। ये सुनकर डॉक्टर इलीन उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद ये अर्थ के सफर पर निकल जाते हैं। मोथरा, जो कि होलो अर्थ की गोड थी, वो सारे पोर्टल को खोलकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालकर दोबारा से बंद कर देती है। क्योंकि लास्ट सीन में हम देखते हैं कि गोरिल्ला, जो कि थक चुका था, वो यरूशलेम को अपना घर बनाता है और कोंग होलो अर्थ में पहुंच चुका था और होलो अर्थ में जितने भी गोरिल्लास थे अब वो कोंग को ही अपना किंग मान चुके थे। इसी के साथ इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।